अस्सलामुअलैकुम, मैं समरा असलान समराज किचन से। आज हम चॉकलेट और कस्टर्ड बनाएंगे। इसके लिए मुझे चाहिए कस्टर्ड, चीनी, दूध और क्रीम। बिस्किट मैंने यहाँ पे चॉकलेट इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले पतीली में मैं दूध डाल लेती हूँ। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे तेज़ आंच करके, ताकि दूध में बॉयल आ जाए। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है, उसके बाद हम कस्टर्ड को रेडी कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट सी पेस्ट बन गई है। दूध में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब तक हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है, उतनी देर हम अपने सर्विंग बोल को भी रेडी कर लेते हैं। हम आधे बिस्किट का चूरा बना लेंगे और उसके नीचे तह लगा देंगे। चीनी अच्छी तरह से मिल चुकी है। मैं इसमें कस्टर्ड डाल दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। हमें दूध को मसलसल चलाते रहना है। ताकि बिल्कुल स्मूथ सा कस्टर्ड रेडी हो जाए हमारा। ये आप देखें, ये थिक होना शुरू हो चुका है। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब मैं कस्टर्ड की लेयर भी इसके ऊपर डाल दूंगी, जो हमने नीचे बिस्किट्स की लेयर लगाई थी। अब हम उसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह हर जगह फैला दूंगी मैं। अब हम क्रीम में 3 से 4 चमचे दूध डाल के इसको पतला सा रेडी कर लेंगे। अब हमने ये जो क्रीम रेडी की है, इसको हम कस्टर्ड के ऊपर सब फैला देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट और बिस्किट लगा देंगे। इस डेज़र्ट का नाम भी मैंने इसलिए चॉकलेटो रखा है, क्योंकि मैं चॉकलेटो बिस्किट इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉकलेटो कस्टर्ड बन जाएगा ये ज़बरदस्त सा। क्या आप देखें, कितनी अच्छी लेयर्स हमारी नज़र आ रही हैं। इसको अब हम फ्रीज़र में रख देंगे। 3 से 4 घंटे तकरीबन मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।